जी, हरियाणवी व्लॉगर जी। हाँ, यूट्यूब चैनल देखने वालों को राम राम। आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो चलिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी साड़ी। बताइए आपको मेरी साड़ी कैसी लगी? और कैसी लगी आपको मेरी ये साड़ी? तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कोसले वाली शॉपिंग जो हम कोसले से करके आए थे। तो देखो, अब आगे हमारी शॉपिंग। चलिए, तो अब आपको दिखाती हूँ मैं जो हम कोसले गए थे वो शॉपिंग करके लाई थी, वो दिखाती हूँ अब आपको। तो बने रहना मेरे साथ और पूरी वीडियो वॉच करना। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो आपको पसंद आए ना, वो कमेंट में करके बताना कि आपको कौन सा कपड़ा, कौन सा ड्रेस अच्छी लगी है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं जियान की ड्रेस दिखा रही हूँ। और ये बच्चे हैं ना, बहुत महंगे पड़ते हैं। बच्चों के कपड़े सबसे महंगे आते हैं। इतने ही रुपए के हमारे कपड़े आए हैं और इतने ही बड़का के आए हैं जियान और रश्मि के। तो चलो देखो, रेड कलर, ये रेड कलर का ही जियान के पास कोट हो गया। और रेड कलर की ही ये जो शर्ट टाइप है सर्दियों में पहनने के लिए, फुल बाजू है और गरम वाला वो है इसमें। देखो, गरम टी शर्ट है ये। ठीक है, बहुत अच्छी है। और पहन के पूरा ज्यादा मनियाल हो जाएगा जियान। और अब मैं अपने दूसरे दिखाऊं हूँ। दूसरी है फौजी वाली। फौजी वाली ड्रेस जियान ने बहुत अच्छी लग गया है। देखो, और ये भी फुल बाजू शर्ट है ये। और इसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है इसके साथ टॉप। देखो, टॉप सर्दियों में पहन लेगा और इस टॉप को अपना बंद कर लेगा, सर्दी भी ना लगेगी। और अगर हम इस टॉप को अलग करना चाहें तो देखो, इसमें पीछे बटन लगा हुआ है, बटन से हम इसको हटा भी सकते हैं। एक ये है जियान की। ठीक है, और अब मैं अगले दिखाती हूँ आपको। ये वाली देखो, कितना अच्छा कलर का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। मुझे तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा इसका। देखो, फुल बाजू है, टी शर्ट है ये भी। और सर्दियां में पहन कर निहाल हो जाएगा जियान का ये। और इसके साथ है ये वाली पैंट। थोड़ा सा एक साइज है बड़ी है ये मुखागी, वही ये पहन लेगा थोड़े दिन। और फिर गर्मियों में तो आपने बेराए है हाफ बाजू के पहने हैं, तो फिर मुखागली सर्दियों में पहन लेगा। और अब है जीहान की अगली पैंट, जींस की। ये ऐसे चुन्नट सी गिरी हुई है इसमें, जैसे बिना प्रेस का जो कपड़ा होता है ना, वैसी लग रही है इसमें। लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको तो मेरे हिसाब से थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे लगता है, लेकिन इसमें जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक पैंट का जो है कपड़ा, और बहुत ही अच्छी है पैंट, देख लो। और अब दिखाऊं मैं जियान को, और ये है इसके साथ ये पैंट और ये वाली शर्ट। अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा ना ये पैंट और ये वाली शर्ट का। और अगली दिखाऊं मैं आपको, ये भी जियान की है और वैसे ही कपड़े में है जैसे वो पहले वाली पैंट थी ना, वैसे ही है ये भी। और इसके साथ है ये रेड वाली टी शर्ट। देखो, रेड का और ब्लू, ब्लू नहीं है, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू कलर है। और रेड कितना अच्छा लग रहा है ना, कति जियान है, जियान दिखेगा फिर पहरेगा जब। ठीक है, देखो बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका भी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अश्मी के, जियान के। अच्छा, एक और रह गया है, सॉरी। वो देखना, जियान लेके आया है अपने लिए कोट पैंट।
अभी मैं आपको इसी में दिखा रही हूँ, लेकिन खोल के दिखाऊंगी। देखो इसमें है ना ब्लैक कलर की शर्ट है और रेड कलर की टाई है, और देखो ये ब्लू कलर के कोट पैंट है। वैसे तो जियान ने पहले भी कोट पैंट पहन लिया था, लेकिन अब ये बोल रहा था कि मैं कोट पैंट ही लेऊंगा, तो ये अपना कोट पैंट लेके आया है। और देखो आप बताओ आपको कैसा लगा। और इसमें है ना ये ब्लैक वाली शर्ट है जो हमें अच्छी नहीं लगी, और इसके साथ हम ये वाला बनाएंगे शर्ट। देखो इस शर्ट में और ये टाई तो बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली शर्ट। एक बार मैं आपको ये अच्छे से दिखा दूं शर्ट, देखो पूरी शर्ट पर ये फूल, कमल के फूल की छाप है जो बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो ब्लैक कलर वाली शर्ट है वो कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके लिए हम ये अलग से लेके आए हैं। और अगर हम पेन आएंगे ना, तो फिर ये जो ब्लैक वाली है ना, ये इस पर पहना लेंगे, इस जीन्स पर ब्लैक वाली शर्ट पहन लेगा, ठीक है। और अब जो आपने कपड़े देखे थे ये थे जियान के, और अब जो मैं आगे दिखा रही हूँ वो है अश्मी के। तो आप अश्मी के कपड़े देखो, अच्छी बड़ी हाइट है। देखो ये है अश्मी की, इसमें ये है साइड में डिजाइन, और इस तरफ है ये वाला। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है पैंट, ये है भाई अश्मी की। और इसके साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो लेके आए हैं हम ये टॉप ब्लैक फुल बाजू है, और बिल्कुल सर्दियां में पहनने वाला कपड़ा है, मौज हो जाएगी अश्मी की सर्दियां में, सर्दी ना लगेंगी कतई भी बिल्कुल भी। देखो इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन है, अच्छा लगेगा ना, ब्लैक और ब्लू बहुत अच्छी लगेगी। और आगे मैं दिखाऊं आपने, ये भी टी शर्ट ही है, चाहे टॉप लगा लो चाहे टी शर्ट लगा लो, लड़कियां पहनेंगी तो टॉप हो जाता है और लड़के पहने तो टी शर्ट। फुल बाजू है ये भी, ठीक है। और नीचे वाले देखो, नीचे से ऐसा है डिजाइन इसका। ये भी हमारे पास जीन्स रखी हुई है, नई जीन्स है, उसके ऊपर कोई टॉप नहीं था, जिसके लिए हम ये ले आए हैं। और वो जीन्स भी काम आ जाएगी और ये भी काम आ जाएगी साथ में। और जो ये वाली टी शर्ट है ना, ये जो हमने अश्मी के लिए प्लाजे खरीदे थे ना तिब्बत मार्केट से, तो उनके ऊपर भी अच्छे से चलेंगी, ये अच्छे से पहन लेगी, उनके ऊपर भी मैच अच्छा होता है, उनके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। और अगर जींस के साथ पहनेगी तो जींस के साथ पहन लेगी, और प्लाजा के साथ पहनेगी तो प्लाजा के साथ पहन लेगी, दोनों के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। और एक है अश्मी की ये वाली, देखो फुल बाजू है। और आप बताना आपको ये कैसी लगी, ठीक है। ये बैक का है, बैक साइड। और आज मैंने आपको दिखा दी अपनी घोंसले वाली शॉपिंग, जो हम खरीद के लाए थे बच्चों के लिए कपड़े। और यहाँ पर मैंने एक अपना अपने लिए प्लाजा लिया है, और जियान ने दो ड्रेस थी जियान की, और जो जियान ने पहन ली हैं, तो वो तो अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी, आपने देख लिया होगा कल वाले लाइव में जियान ने पहन रखा था। ब्लू कलर की टी शर्ट है और उसके नीचे गर्म पजामी, तो वो जियान ने पहन ली। और ये था मेरे मेरा और सपना के लिए लेके आए थे चप्पल, जो घर पर पहनने के लिए डेली यूज में। और इतनी ही थी बस हमारी शॉपिंग। और
यंशु के लिए हम अभी कुछ नहीं लेके आए हैं क्योंकि हम पहले ले आए थे और यंशु बोल तो रहा था कि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। तो जो डेली यूज में ड्रेसेस होती हैं पहनने के लिए वो हम पहले ले आए थे, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया भी था। और जो पार्टी वेयर ड्रेस है वो हम लेके आएंगे शादी में जाएंगे तब। तो अभी यंशु के लिए इनमें से कुछ भी नहीं आया है। और अब यही थी हमारी कोसली की शॉपिंग। तो आप पूरी वीडियो को देखना, वॉच करना, और जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी है। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना ही भूल गई, इनका प्राइस जो है वो मुझे नहीं पता है कितने, कौन से शर्ट और पैंट का क्या प्राइस है, क्योंकि ये है हमने इकट्ठे लिए हुए थे, लिए थे सामान इकट्ठा एक ही दुकान से। तो ये 7,000 का सामान था हमारा। अब ये नहीं पता मेरे को कि कौन सा शर्ट कितने का था और कौन सा पैंट कितने की। तो हमने इकट्ठा ही लिया था ना, तो इकट्ठे रुपया दिए थे 7,000। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।